बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट। उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एंड वेलकम टू दी सेकंड ईयर क्लास। उसमें बेटे दो तीन चीज़ें थी। आपने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया फर्स्ट ईयर में। वी आर वेरी हैप्पी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत से बच्चों की असाइनमेंट्स बहुत बेहतर थी और आप समझें कि दो गुना से भी ढाई तीन गुना ज़्यादा बच्चों ने फुल नंबर लिए हैं इंटरनल असेसमेंट में। और ये बहुत बड़ी बात है कि जितने जो आपके सीनियर थे, अगर एक ने लिया है तो आप में से माशाल्लाह ढाई तीन के करीब ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इसको और ज़्यादा करें। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो सारी क्लास है सब के सब वो ना हम जब इंटरनल असेसमेंट दें तो उसमें फिर हमें पता ना चले कि किस तरह नंबर कायम है आपकी काटें आपके नंबर। इसलिए आप प्लीज़ अपनी असाइनमेंट इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट वीक से हम आपकी असाइनमेंट भी शुरू कर देंगे। और अभी आई एम स्टार्टिंग द बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और जो डॉक्टर आमर साहब ने इंटीग्रेटेड द मेटाबॉलिक पाथवेज हुआ और जो हमारे सर हैं HOD हैं ख्वाजा साहब वो आपको पढ़ा रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। आपको एट ए टाइम ये तीनों पढ़ने हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल पढ़ भी गए। जी बेटे, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक? बायो जिंदगी, एनर्जेटिक एनर्जी। आपने ये FSC में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है ना ये ख़त्म नहीं होती, इट इज़ बीइंग चेंज। ये एक फॉर्म से दूसरी चेंज इज इस फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी में आ जाती है। लाइफ इज ए प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। हमारी जो जिंदगी है इसका दारो मदार हमारे एनर्जी से है। एनर्जी अगर नहीं है तो हमारे ना कोई केमिकल प्रोसेस हो सकेगा ना कोई काम हो सकेगा। इट मीन दैट इट इज़ एन इंटेंसिव। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। जिस तरह कहते हैं ना कि जिंदगी क्या है, अनासर की जहूर तरतीब, कि जो मेटाबॉलिक पाथ रिएक्शन हैं वो सारे हो रहे हैं तो जिंदगी है। और ये मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं, जो रिएक्शन हैं, दी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। ये एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी से हो रहे हैं। बट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं लेक्चर के बाद। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं तो प्लीज़ ये डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए हम जो इसको लेक्चर को हम कंटिन्यूस रखेंगे। लाइफ डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। इट टेक्स एनर्जी टू ऑपरेट मसल्स, एक्सट्रैक्ट वेस्ट, मेक न्यू सेल्स एंड हील वुंड्स, इवन टू थिंक। एनर्जी हमें हर हाल में चाहिए। हमारे मसल्स ने काम करना है, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। मेकिंग ऑफ द न्यू सेल्स when there is healing of the wounds needs new energy. आपको पता है कि सेल्स मेक जो सिर्फ एक दो बॉडी में सेल हैं वो रीजनरेट नहीं हो सकते। कौन कौन से हैं? उनमें एक हैं कार्डिक सेल और दूसरे हैं हमारे न्यूरॉन्स। वंस डेड ऑलवेज डेड। हम जो पढ़ रहे हैं इवन टू थिंक, हम जो पढ़ रहे हैं इसलिए भी वी रिक्वायर एनर्जी, इसके लिए भी वी नीड एनर्जी। हाउ यू कैन डिफाइन द एनर्जी?
यू कैन से दैट इट इज ए डिसिप्लिन विद इन द बायोकेमिस्ट्री डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन लिविंग सिस्टम. इट इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी फ्लो इन ए लिविंग सिस्टम. बायोएनर्जेटिक्स यू कैन डिफाइन इट एज ए डिसिप्लिन विद इन बायोकेमिस्ट्री विच इज डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन लिविंग सिस्टम. नो व्हाट इज फ्री एनर्जी. एनर्जी विच इज एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क इज नोन एज फ्री एनर्जी. वो एनर्जी जो हमें अवेलेबल है, जो हमें मुयस्सर है फॉर द वर्किंग, इट इज दी जी आर और सी आर मेरे ख्याल वही है. तो प्लीज इसमें आपने प्लीज अटेंडेंस ले लेनी है और फिर उसके बाद मुझे मैसेज कर दें. अगर आपके पास मेरा नंबर है तो ठीक है. शाहजैन है ना, शाहजैन आप मुझे मैसेज करें. आर यू हियरिंग मी? और डॉक्टर सिद्रा हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर सिद्रा जी आर हैं. तो बेटे मैसेज करें मुझे इफ़ यू आर हियरिंग मी. तो आपने ये अटेंडेंस लेके मुझे, आपने या शाहजहन ने, दोनों में से आपने अटेंडेंस लेके मुझे भेजनी है. दी एनर्जी, फ्री एनर्जी एज द नेम यू कैन सी, नाम बता रहा है कि फ्री एनर्जी, दैट एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू द वर्क. और जो चेंज होगी, दैट द चेंज इन द फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाई द डेल्टा जी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, हीट मे बी रिलीज और अब्जॉर्ब. बेटे जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो दो तरह का है, या तो एनर्जी वो लेगा या एनर्जी वो पैदा करेगा. In second word, that in a chemical reaction might be there the release of energy or there the absorption of energy. Ya to energy release hogi ya phir energy absorb hogi. Free energy denoted by delta G. Delta G, or you can define the delta G. It is the thermodynamic function that is most useful for biochemistry. Delta G, free energy. Is the thermodynamic function that is most useful for biochemistry. Delta G, free energy. It is a function of enthalpy. Enthalpy denoted by the delta H. What is the enthalpy and entropy? Enthalpy, entropy. Enthalpy is denoted by delta H, and entropy is denoted by delta S. Enthalpy, delta H is a measure of the heat released or absorbed energy, heat content of the system at constant pressure. Enthalpy denoted by delta H,
इट इज ए मेजर ऑफ द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एंट्रोपी एंट्रोपी डिनोटेड बाई द डेल्टा एस इट इज ए मेजर ऑफ द रैंडम डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम द एनर्जी विच इज अवेलेबल एंथैल्पी और जो एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल फॉरवर्ड बट देर इज एनर्जी यू कैन गिव द एग्जाम्पल कि हम लकड़ियाँ जलाते हैं इससे क्या एनर्जी वो जलती हैं लेकिन एनर्जी क्या होती है वो सारी बिखर जाती है इट्स नॉट अवेलेबल फॉर योर वर्क बट एंथैल्पी इट इज अवेलेबल फॉर योर वर्क और इट इज यूज इन द वर्क एंट्रोपी वो है जो कि इट इज नॉट अवेलेबल बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ द रैंडम डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम सिस्टम में देर इज ए डिसऑर्डर देर इज ए रैंडम रैंडमनेस डिसऑर्डर बट एनर्जी इज देयर बट इट्स नॉट अवेलेबल एंट्रोपी एंथैल्पी एनर्जी विच इज अवेलेबल द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी The change in Gibbs free energy, delta G, for a reaction, quantitatively measure the energy available to be useful forward. Free energy में जो change है basically it is a delta G, it is a measure of that energy which is available for work to do the useful work. It is related to the change in the enthalpy and the change in the entropy. अब जो एंथैल्पी और एंट्रोपी में जो चेंज है दैट इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एंड डेल्टा एस डेल्टा जी इट इज द चेंज इन द फ्री एनर्जी डेल्टा एच इट इज द चेंज इन द एंथैल्पी डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रोपी शाहजहान या सिद्रा बेटे आप मुझे मैसेज करें कि आप सुन रहे हैं मुझे और यू हैव टू टेक द अटेंडेंस आपने अटेंडेंस लेनी है और मुझे मैसेज करना है डेल्टा जी इट इज द चेंज इन द फ्री एनर्जी डेल्टा एच इट इज द चेंज इन द एंथैल्पी डेल्टा एस इज द चेंज इन द एंट्रोपी एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर The actual free energy change delta G depends on two parameters. The free energy hai, it depends on two parameters. The standard free energy change for that reaction delta G naught and thus to constant equilibrium, your equilibrium constant for this reaction. And the actual mass action ratio reflecting the actual static condition, the actual concentrations of the reactants and the products. Actual delta G, which is the actual free energy, is equal to delta naught, which is the change for that reaction, standard free change for that reaction, plus RT, log in actual mass ratio. Login of the natural logarithm of the actual mass ratio. Our reactions or process proceed in direction required to go towards the equilibrium.
फॉर दिस रिएक्शन द मास रिएक्शन रेशियो इज गिवन बाय बी ओवर ए. इसमें ये हमारे की कैलकुलेशन जो है ना, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. हमने सिर्फ ये देखना है कि एनर्जी क्या है, किस तरह इस्तेमाल होती है, और हमारा बॉडी जो है ना वो किस तरह से एनर्जी को इस्तेमाल करती है. मास एक्शन रेशियो एट इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इट इज बी ओवर ए, वेयर ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट. दोबारा देख लें, आर रिएक्शन और प्रोसेस प्रोसीड इन द डायरेक्शन रिक्वायर्ड टू गो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम. फॉर दिस रिएक्शन द मास एक्शन रेशियो इज गिवन बाई डी B over A. B क्या है, इट इज ए प्रोडक्ट एंड A इट इज ए रिएक्टेंट. अब इसको हम यू कैन राइट इट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट ओवर आर टी. डेल्टा G नॉट इट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. R इट इज ए गैस कॉन्स्टेंट विच इज 1.987 कैलोरीज पर मोल. And T is the absolute temperature Kelvin में होगा Kelvin. A and B actual concentration of the reactant and product. Ln it represents the natural logarithm. अब delta G it is equal to delta G naught over RT, Ln and B over A. At equilibrium डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. अब इसको कैलकुलेट करके दे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज जीरो. इफ इट इज ऑन जीरो देन डेल्टा जी नॉट जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन बी ओवर ए. अब इसको हम अगर जी डेल्टा जी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो आर टी प्लस है इट विल बिकम माइनस. तो इट मीन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू द माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बी ओवर ए. देन द एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन. एक्सर्गोनिक में गिव्स फ्री एनर्जी, देयर इज अ रिलीज ऑफ द एनर्जी और रिएक्शन स्टार्ट्स स्पॉन्टेनियसली बिकॉज इट इज more than, sorry, it is less than zero. Or endergonic energy, it is more than zero and reaction is not spontaneous. It means the energy is required for this. You have to, exergonic mein energy release honi hai, isliye there is no need of energy. But दूसरी तरफ इट इज द एंडरगोनिक रिएक्शंस मीन दैट एनर्जी इज एडेड. यहां पे एनर्जी एक्सर्गोनिक में एनर्जी रिलीज होनी है, एंडरगोनिक में एनर्जी ऐड होनी है. इट मीन दैट फॉर दिस हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड एनर्जी. Negative delta G. If delta G is negative, there is a net loss of energy. The reaction is said to be exergonic. Reaction goes spontaneously. And positive delta G, there is a net gain of energy. Reaction does not go spontaneously.
energy must be added to the system to make reaction. The reaction is said to be endergonic. अब दो किस्म के reaction body में हो रहे हैं. एक reaction है जिसमें energy बन रही है, एक energy है जिसमें energy release हो रही है. Energy जहाँ बन रही है वो that is the endergonic, और जो जहाँ रिलीज हो रही है that is the exergonic. Delta G zero. When a reaction is proceeding spontaneously, free energy is being lost. Reaction continues and the free energy reaches zero and equilibrium is established. Now, cells use energy for chemical work, for mechanical work, and for electrochemical work. अब cells जो energy use कर रहे हैं इसमें chemical reactions हो रहे हैं, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स हैं, आयनिक कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हो रही है. तो दिस ऑल वर्किंग, दिस ऑल वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एंड सेल यूज दिस एनर्जी फॉर केमिकल वर्क, फॉर मैकेनिकल वर्क एंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क. What can cell do with the energy? Cell, in some cells, as much as half of the cell's energy output is used to transfer molecules across the cell membrane. The process called the active transport. जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से हाफ जो है ना वो इट इज बींग यूज इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द सेल इन टू. It's very important कि cells we are taking, for example, we are taking carbohydrates, हमने glucose लिया है. तो जब तक glucose transfer cell के अंदर नहीं होगा, it is not being transported into the cell. How it can undergo the process of the glycolysis? And if there is not the process of the glycolysis, there will not be generation of the energy. तो उसमें ये सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल. द नेक्स्ट द सेल मूवमेंट्स रिक्वायर एनर्जी एंड थाउजेंड्स ऑफ एनर्जी हंग्री केमिकल रिएक्शंस गो ऑन एवरी लिविंग सेल एवरी सेकंड एवरी डे. अब हमारे बहुत से केमिकल रिएक्शन, थाउजेंड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन जैसे इंटरनेट प्रॉब्लम बेटे आ रहा है. The kind of energy cell use in a chemical bond energy, the shared electron that holds the atom together in the molecules. Endergonic and exergonic reactions. Endergonic reactions कौन से हैं और exergonic reactions कौन से हैं? Number one. Endergonic reactions. कौन से होंगे एंडरगोनिक विच रिक्वायर एनर्जी. केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स ए नेट इनपुट ऑफ एनर्जी. केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स ए नेट इनपुट ऑफ एनर्जी वो एंडरगोनिक, जो एनर्जी जिनको चाहिए. इसकी एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल क्या है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. अब इसी में आप देखें कि कौन सा एंडरगोनिक है और कौन सा एक्सर्गोनिक है. फोटोसिंथेसिस, अब कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर एक्सहेलिंग इट रिएक्ट्स विद द वाटर इन द सनलाइट फोटॉन्स. अब लाइट एनर्जी है दैट इज बीइंग यूज्ड हियर एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. अब देखें सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे विल कंबाइन विद द सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एनर्जी कहाँ से ली? फ्रॉम द सन. अब यहाँ पे हमारे पास कितने एटम आ गए? सिक्स. आप देखें कार्बन एटम्स हैं वहाँ पे, दे फॉर्म द ग्लूकोज, इन्होंने ग्लूकोज बनाना है. तो ये सिक्स कार्बन एटम्स विल यू कैन सी इन द ग्लूकोज एंड देन
H12, यहाँ पे कितने H हाइड्रोजन एटम्स हैं? 12, सिक्स वाटर है, उसमें से 12 हाइड्रोजन है, ठीक हो गए। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 18, ठीक है जी। 18 में से सिक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो गए और ऑक्सीजन के बन गए, और बाकी सिक्स जो ऑक्सीजन एटम थे वो ग्लूकोज में चले गए। तो इन दिस वे अब इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ये एक सर्कल चलेगा, ऑक्सीजन फिर दोबारा इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। नेक्स्ट दी एक्सोगोनिक रिएक्शंस। अब एक्सोगोनिक रिएक्शंस क्या होगा? केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी, वो कौन से थे? एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शन दैट नीड एनर्जी, दे आर सिंथेसाइजिंग एनर्जी केमिकल, और ये हैं दे आर रिलीजिंग एनर्जी एक्सोगोनिक। इसमें एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम पढ़ेंगे इसके बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि यही ग्लूकोज जो हमने प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया, वी टुक इट इन द डाइट, नाउ वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, दिस ग्लूकोज इज बीइंग कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, और अगेन दिस आर प्रोड्यूसिंग द सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पिक्ड अप बाय द प्लांट्स और वो एक सर्कल चलेगा। अब इसमें साथ इसने क्या किया है, इट इज रिलीजिंग द एटीपी मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल इसने रिलीज किया। ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, द इलेक्ट्रॉन चेन रेस्पिरेशन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज हो गई ना, ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें बेटे दो तरह के ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, हमने पढ़ा था जब हमने सेल पढ़ा था, तो इट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल भी हैं लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। बाज़ का ये होता है कि कुछ ऐसे सेल हैं जहाँ पे सप्लाई ऑफ दी ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में पहुँचती है, उसमें कॉर्नियल सेल्स आपके कॉर्नियल सेल्स हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी दैट सेल, दो सेल आल्सो नीड एनर्जी टू सर्वाइव। तो जहाँ वहाँ पे फिर विदाउट ऑक्सीजन देर विल बी एटीपी प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन, इसको हम कहेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया है, एनारोबिक किसने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एनारोबिक में यहाँ पे ये एक्सोगोनिक है, एनर्जी इज बीइंग सिंथेसाइज, एनर्जी बन रही है लेकिन रिलीज हो रही है, लेकिन वहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में भी देर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी। वेल फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स, आपको दो एटीपी मॉलिक्यूल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको यू विल गेट फोर एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको एटीपी कोई भी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपके पास ग्लूकोज था और फिर ऑक्सीजन थी, ये ट्रांसपोर्ट चेन में गई, कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर एंड अगेन बाय फॉर्मिंग द एटीपी। What is the cellular metabolism? Cellular metabolism. There are thousands of different chemical reactions in the cell, and these referred to as the term
मेटाबल। सेल्स यूज थाउजेंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इन जनरल मेटाबॉलिज्म कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स रिएक्शन, दो किस्म के हैं, एक कैटाबॉलिज्म होगा और एक एनाबॉलिज्म होगा, एक में ब्रेकडाउन होगी और एक में फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक में ब्रेकडाउन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगी VLNTH और दूसरे में फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी इज कैप्चर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ ATP। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिस तरह के ग्लाइकोलाइसिस है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। कैटाबॉलिज्म विच ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी इज कैप्चर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ ATP। एनाबॉलिज्म विच यूज एनर्जी फ्रॉम ATP टू सिंथेसाइज लार्ज मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Some of the exergonic reactions and some of the endergonic reactions. Anabolic pathway, metabolic reactions which consume energy, endergonic. जो metabolic reactions है जिसमें energy use होती है, इस्तेमाल होती है, that is the endergonic. To build the complicated molecules that's from simpler molecules. जिस तरह के हम diet लेते हैं, that is absorbed by the catabolic process, for example glucose in the monomers, monosaccharide, that will again absorbed by the GAT, aur uske baad ye anabolic pathway hamara banega, dusre macro molecules banega. Isi tarah protein hai, that will be the monomers, uske baad amino acids honge, amino acids will again come into the these processes to form the macromolecule. एग्जाम्पल सेम मेटाबॉलिक में फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर एक्सहेलिंग पिक्ड अप बाय द प्लांट्स कंबाइंड विद द वाटर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज प्लस रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन एंड देन कैटाबॉलिक पाथवे। Metabolic reactions which release energy exergonic by breaking down complex molecules in simpler compound. Catabolic pathway. These are metabolic reactions which release energy exergonic by breaking down complex molecules in simpler compounds. Example: cellular respiration, electron transport chain. Glucose C6H12O6 which combined with the oxygen and there will be a release of the carbon dioxide and water with the production of the ATP. This is the catabolic pathway. What is ATP? ATP hai kya? A for basically it is universal energy carrier. Most of the cell process use the same energy source. The rechargeable energy carrier battery hai, rechargeable hai. The energy use ho jati hai. There is a breakdown of the phosphate bond. ATP triphosphate, 3-phosphate will become to the diphosphate, 2-phosphate ban jayenge ADP, aur phir ADP then again it will recharge and becomes the ATP. So it is the rechargeable energy carrier. A for adenosine, T for triphosphate, 3 phosphate groups.
एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एटीपी कंपाउंड्स एडिनिन, इट कंटेन्स ऑफ द एडिनिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस बेस है। सेकंड क्या होगा, राइबोज फाइव कार्बन शुगर। थर्ड क्या होगा, फास्फेट ग्रुप, देयर इज अ चेन ऑफ थ्री फास्फेट। अब देखें, एडिनिन इट इज अ नाइट्रोजिनस बेस, इट इज कंबाइंड विद द राइबोज फाइव कार्बन शुगर, देन देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द थ्री फास्फेट फास्फेट ग्रुप्स, इज द एटीपी मॉलिक्यूल। एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस, राइबोज फाइव शुगर कार्बन, फाइव कार्बन शुगर एंड द फास्फेट चेन ऑफ थ्री फास्फेट ग्रुप्स। नाउ हाउ एटीपी वर्क्स, एटीपी काम कैसे करती है, द फास्फेट ग्रुप्स आर हेल्ड टू ईच अदर बाय वेरी हाई एनर्जी केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड्स। फास्फेट ग्रुप्स जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और दीज आर दी एनर्जी कैरियिंग, एनर्जी कैरियिंग। जब दे द ब्रेक डाउन ऑफ दी फास्फेट ग्रुप, दे द रिलीज ऑफ द एनर्जी। द फास्फेट ग्रुप्स आर हेल्ड टू ईच अदर बाई वेरी हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स। अंडर सर्टन कंडीशन द एंड फास्फेट कैन ब्रेक अवे and the energy released to the energy hungry reaction that keep the cell alive. जिस तरह हमने कहा कि कुछ फिर ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें जो हम आगे पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो उसमें देयर रिएक्शन इन विच देयर द रिलीज ऑफ द एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विल, ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी तीन जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो दो में कन्वर्ट हो जाएंगे। व्हेन द एंड फॉस्फेट इज रिलीज क्या होगा, दे डाइफॉस्फेट, पहले ट्राई था तीन थे, डाई दो फॉस्फेट ग्रुप रहे, एडिनो डाइफॉस्फेट। दिस चेन फ्रॉम ट्राई टू डाई इज टेकिंग प्लेस कॉन्स्टेंटली एज एटीपी सर्कुलेट थ्रू सेल। जब एनर्जी यूज होती है तो ये जो एटीपी है विच इज ए एनर्जी कैरियर, यहाँ से फास्फेट ग्रुप टूटता है और एटीपी में होता है और फिर वो एनर्जी इज बीइंग यूज्ड और वो एडीपी इज अगेन रिचार्ज। रिचार्जिंग कहाँ से होती है, जो हम खाना खाते हैं। द रिचार्जिंग ऑफ एटीपी टू एडीपी रिक्वायर्स ए ह्यूज एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन द कॉम्बिनेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, देयर इज एटीपी जनरेशन, पी अलग हो गया, फास्फेट ग्रुप अलग हो गया एंड एक्सर्गोनिक एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाइड्रोलिसिस, वाटर इज एडेड, हम फूड खाते हैं ना तो वाटर जब ऐड होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो एटीपी इज बीइंग ब्रोकन डाउन टू द एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देन द डिहाइड्रेशन ऑफ एटीपी, वाटर पहले हमने ऐड किया, उसके बाद वाटर इसमें से जब निकालेंगे डिहाइड्रेट करेंगे, अगेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच एंड एटीपी प्लस वाटर अब जहां पे एंडरगोनिक है, एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वो एनर्जी जो हम फूड की शक्ल में ली है दैट इज बीइंग एडेड टू दिस एडीपी एंड फास्फेट ग्रुप विल बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिमूव द वाटर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Cells get most of their energy by oxidizing carbohydrates, lipids, and proteins.
एनर्जी है जो हमारी बॉडी को एनर्जी, में हमारी जो जनरल डाइट है डिपेंड्स अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स, हम लिपिड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, तो जितनी भी एनर्जी है दीज आर बीइंग जनरेटेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग दीज मैक्रोमालिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी सोर्स, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, द स्टोरेज शुगर ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड। जब हमने विटुक द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो जो तो हमने इस्तेमाल कर लिए वो तो इस्तेमाल हो गए, बाकी जो बचेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द ग्लाइकोजन। हम पढ़ चुके हैं लास्ट में स्टार्च कहेंगे और यहाँ पे ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन स्टोर हो गई। व्हेन इट इज नीडेड दिस ग्लाइकोजन विल ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन जो स्टोर है एट द टाइम ऑफ द नीड, एट द टाइम व्हेन वी नीड द एनर्जी ग्लूकोज द ग्लाइकोजन, देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और फिर वो दैट इज द ग्लूकोज फॉर्मेशन, और दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी इज बीइंग यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस जिस द सिक्स कार्बन शुगर। ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज बाई ग्लाइकोलाइसिस टू पाइरोवेट, जो एंड प्रोडक्ट है पाइरोवेट है, पाइरोवेट आइदर कैन बी फर्दर मेटाबोलाइज टू द एसिटाइल कोल ए विच एंटर द क्रेब्स साइकिल। पाइरोवेट अगर तो अवेलेबल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अवेलेबल है, क्रेब्स साइकिल अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो दैट विल बी मेटाबोलाइज टू एसिटाइल को ए में चली जाएगी और वो क्रेब्स साइकिल में चले जाएगा। अगर नहीं है तो पाइरोवेट अगेन इट विल कम और ये फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये तो डायरेक्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन लिपिड ये भी हमारे एनर्जी सोर्स है। ये डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेंगे बल्कि ये जो प्रोसेस है एसिटाइल को ए उसमें एंटर हो जाएंगे। स्टोरेज फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स आर स्प्लिट इनटू टू कार्बन पीसेस व्हिच इज द एसिटाइल को ए व्हिच फीड इनटू द क्रेब्स साइकिल। ये इस तरह ये फिर जो हमारा लिपिड्स है या फैट्स हमने खाई हुई है दैट इज बीइंग एंटर्ड इनटू द दैट इज एंटर्ड इनटू द क्रेब्स साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एसिटाइल को ए। उसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है ना मेजर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन उसके साथ फैट्स भी आ रही है और प्रोटीन्स भी आ रही है। दीज आर डिग्रेडेड इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड और ये दीज अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जब अमाइनो ग्रुप रिमूव करो तो उसमें देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन, और ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों में ये दे कुड बी एंटर ये जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और जो नाइट्रोजन जो यहाँ से विच इज बीइंग रिलीज या जो जहाँ से बनी है दैट इज बीइंग एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया, यूरिया साइकिल जिसको हम कहते हैं। देन द एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस, अब देखें क्या हमने पढ़ा, एटीपी बनी है, एटीपी फॉर्म, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, इट इज द सेलुलर वर्क। अब जो हमें हमारी बॉडी टू मेंटेन आवर बॉडी एट रेस्ट वी नीड नीर अबाउट 2000 कैलोरीज पर डे, तकरीबन 2000 कैलोरीज पर डे हमें रिक्वायर्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि 200 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर डेली वर्क, इसमें हमारे मसल्स ने भी काम करना है, रिलैक्सेशन है, प्रोडक्शन है, फिर हमारे इवन थिंकिंग एट रेस्ट भी जो है ना ये हमें कैलोरी रिक्वायर्ड है, हम कुछ भी निकाल रहे फिर भी वी आर यूजिंग कैलोरीज। और इसमें ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, 500 ग्राम जो शुगर है
अगर सिर्फ वही खा लें तो वो आपको 2000 ग्राम पर 4 कैलरीज पर ग्राम, या फिर 222 ग्राम ऑफ फैट दे कैन आल्सो गिव यू दी 2000 कैलरीज। और ज़्यादातर ये जो है ना, जो हमारी, ये तो अमेरिकन लिखा है, लेकिन हमारी डाइट में भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से और फिर कम जो है ना दैट इज़ फ्रॉम दी शुगर। देन दी एटीपी द मेन एनर्जी कैरियर, एटीपी कपल्स एनर्जी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एटीपी और एडीपी एनर्जी इनपुट है, एटीपी एनर्जी आउटपुट हो गई, उसके बाद फिर दोबारा एडीपी में कन्वर्ट होगी इनऑर्गेन फास्फेट और फिर इसमें कंबाइन भी देते। ये हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, दीज आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहरहाल आप देख लें कि इसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एट जो हमारे उसमें फास्फोइनॉल पाइरूवेट में है, कार्बाइन में फास्फेट में है, तो दीज आर नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसको हम नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।